हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉर्मर के रिगार्डिंग, कैसे हम रेविट के सॉफ्टवेयर में डॉर्मर जो है वो यूज़ करेंगे। जो डॉर्मर है यूजुअली कश्मीर के हाउसेस में जो है पाया जाता है। डबल डॉर्मर हम आज के वीडियो में क्रिएट करेंगे, कैसे हम डबल डॉर्मर जो है वो क्रिएट करेंगे वही मैं आज के वीडियो में आपको दिखाऊँगा। तो इसके लिए मैंने एक प्लान जो है वो पहले से क्रिएट कर रखा है। इसी में हम पहले रूफ जो है वो क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसी में जो है डबल डॉर्मर यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे पहले लेवल 2 में और उसके बाद यहाँ से हम इस पर रूफ डालेंगे। तो हम रूफ में जाएंगे और उसके बाद यहाँ से या तो आप लाइन से डाल सकते हैं या रेक्टेंगल से डाल सकते हैं, पॉलीगन या पिक लाइन, जिससे आपकी मर्जी हो आप उससे यहाँ पर जो है रूफ डाल सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पर लाइन लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर ऑफसेट दे देता हूँ 2 फीट का, यानी कि आप कितना रूफ वॉल्स के बाहर रखना चाहते हो वही यहाँ पर आप ऑफसेट दे सकते हैं 2 फीट का, ये जितना आपको मर्जी हो। तो मैं यहाँ पर 2 फीट का दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर रूफ जो है वो क्रिएट किया है। तो हम इसको 3D डिफॉल्ट व्यू में देखते हैं। हमने इसमें जो है रूफ जो है वो डाल दिया है, क्रिएट किया है रूफ। तो इस तरह का जो है हमारा प्लान वो दिख रहा है आपको 3D डिफॉल्ट व्यू में। तो यहाँ पर हम एक डॉर्मर जो है वो क्रिएट करेंगे और एक डॉर्मर हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो किस तरह हम इसमें डॉर्मर जो है वो क्रिएट करेंगे, आज का वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। तो उसके लिए हम जाएंगे लेवल 2 में और इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। जहाँ पर आपको डॉर्मर क्रिएट करना है तो आपको वहाँ पे जाना है। तो आपको यहाँ से वॉल पे सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको 4 इंच या 4.5 इंच या 5 इंच, जितनी आपको मर्जी है उतनी इंच की वॉल जो है वो सिलेक्ट करनी है। जैसे मैं इसको लेता हूँ कि एडिटिंग करता हूँ, यहाँ से डुप्लीकेट इसको क्रिएट करते हैं, एडिट में जाते हैं और यहाँ पर इसकी थिकनेस देते हैं हम 4.5 इंच की, ओके करते हैं, ओके करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम रेक्टेंगल लेते हैं, जितना बड़ा आपको डॉर्मर बनाना है उतना आपको इस वॉल को क्रिएट करना है। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे मुझे यहाँ से डॉर्मर यूज़ करना है यहाँ तक, तो मैं इसको यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद ये जो अंदर वाला जो पोर्शन है इस वॉल का, इसको सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं और इसको हम 3D डिफॉल्ट व्यू में देखते हैं। अभी जो इसकी हाइट है वो कम है तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं ऐसे और यहाँ से इसकी हाइट दे देते हैं 8 फीट की और इसको अप्लाई करते हैं। छः फीट की कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो वॉल है वो क्रिएट हो चुका है यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर रूफ को सिलेक्ट करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर जो वॉल है वो रूफ के अंदर साइड भी है, अंदर साइड भी इसका आधा पोर्शन है। तो इसको डिलीट कैसे करेंगे हम, इसको किसको किस तरह ट्रिम करेंगे, तो इसके लिए हमें वॉल को सिलेक्ट करना है, ऐसे एंटर करो तो ये तीनों वॉल जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर अटैच टॉप टू बेस को सिलेक्ट करके यहाँ पर बेस पे क्लिक करेंगे और इस पर रूफ को सिलेक्ट करते हैं। तो अगर आप अभी यहाँ पर रूफ को सिलेक्ट करेंगे तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा सिर्फ यही पोर्शन जो है इस वॉल का बचा हुआ है। तो
तो अभी हम इस पे डोरमट यूज करते हैं। तो इसका हम फ्रंट व्यू लेते हैं और इसको थोड़ा सा जूम इन करके हम यहां से रूफ बाय एक्सट्रूजन को सिलेक्ट करते हैं। अभी हमने जो रूफ डाला था वो हमने रूफ बाय फुटप्रिंट किया था, अभी हम डालेंगे रूफ बाय एक्सट्रूजन। तो हम इसी को सिलेक्ट करते हैं। पिकअप प्लान यानी कि हमें प्लान को पिक करना है, तो हम इसको ओके करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको ओके करके यहाँ से हम लाइन को सिलेक्ट करते हैं और इसके कॉर्नर पे क्लिक करके यहाँ से 45 डिग्री पे जितनी हाइट आपको देनी है आप उतना दे सकते हैं। मैं अपने हिसाब से लेता हूँ, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसके कॉर्नर तक ले दें और इसके बाद इसको फिनिश करते हैं। तो अगर हम इसको डिफॉल्ट व्यू में देखेंगे तो आपको ये इस तरह का दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये इसके बीच में से जो है पीछे चला गया। तो इसको हम कैसे यहाँ तक इसके साथ कनेक्ट करेंगे, उसके लिए हम करेंगे यहाँ से आप जाएंगे मॉडिफाई टूल में और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा रूफ ज्वाइन या अनज्वाइन, इसको सिलेक्ट करते हैं और इस रूफ के यहाँ कॉर्नर पे इसको सिलेक्ट करते हैं और इस रूफ के फेस को सिलेक्ट करते हैं। और ये देख सकते हो ये हमारा इसके साथ ज्वाइन हो चुका है। तो और हम इसको यहाँ से इस वॉल को सिलेक्ट करते हैं और अटैच टॉप बेस इसको टॉप से इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा डोरमर आ चुका है। तो इसी पे हम डबल डोरमर जो है वो यूज़ करेंगे। उसके लिए फिर से हम जाएंगे फ्रंट व्यू में और इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं और यहाँ से जाएंगे आर्किटेक्चर में रूफ बाय एक्सट्रूजन पिकअप प्लान करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। यहाँ से हम लाइन कमांड लेते हैं और उसके बाद यहाँ से थोड़ा ऊपर ये जो हमने अभी जो हमने रूफ डाला था बाय फुटप्रिंट सॉरी बाय एक्सट्रूजन इसके ऊपर से थोड़ा हम सेलेक्ट करेंगे और ऊपर जाएंगे यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक और इसको फिनिश करते हैं। तो अगर हम इसको डिफॉल्ट व्यू में देखेंगे तो फिर से आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा फिर से वही आ चुका है यहाँ पर। तो इसको फिर से हम मॉडिफाई टूल में जाएंगे और रूफ ज्वाइन अनज्वाइन को सिलेक्ट करेंगे और इस फेस को सिलेक्ट करके इस फेस को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा रूफ बन चुका है। तो इसको हम तो यहाँ से हम इसको थोड़ी सी जिस तरह हमने यहाँ पर इसको डिस्टेंस दी हुए इस तरह हम यहाँ से भी इसको आगे से भी थोड़ा सी डिस्टेंस देंगे। तो इसके लिए हम ऊपर वाले रूफ को जो है वो सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एक एरो आपको दिखाई दे रहा है तो इसको हम पीछे ले जाएंगे, जितना आप ले सकते हो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा 1.5 फीट ले जाए। तो अभी आप देख सकते हो हमारा जो डोरमर है वो यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह जो है आप अपने रूफ में डबल डोरमर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आप कलरिंग दे सकते हैं जिस तरह की कलरिंग आप देना चाहते हो। तो उसके लिए आप यहाँ पर मॉडिफाई टूल में जाएंगे और यहाँ पर आप सीधे पेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के कलर्स आ जाएंगे तो आप उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अभी किसी एक को यूज कर देता हूँ जैसे मैं इसको यूज करता हूँ यहाँ पर आप किसी भी कलर को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको कलरिंग देख सकते हैं। तो एक और चीज हम इसको फ्रंट व्यू लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम इन करके यहाँ पे आप विंडोज वगैरह यूज कर सकते हैं।
यहाँ पर विंडोज लग चुका है। तो उसके बाद यहाँ पर ये जो वॉल वगैरह है इस पर भी आप कलरिंग दे सकते हैं। मॉडिफाइड टूल में जाके यहाँ पर पेंट पे क्लिक करके आप यहाँ से इसकी कलरिंग कर सकते हो। ये जो वॉल्स वगैरह है आप नीचे जो वॉल्स है फ्लोर वन में उससे डिफरेंट कलर ऊपर दे सकते हैं। और जो ये साइड वाला जो है यहाँ पर रूफ का, इसको डिफरेंट कलर दे सकते हैं ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। तो इस तरह आप अपने रूफ में जो है डबल डोरमर यूज कर सकते हैं।